सर हाँ, तो फिर यदि आपने ट्राई किया है तो कुछ डाउट डिस्कशन कर लिया जाए, डाउट डिस्कशन कर लिया जाए, कुछ कंसेप्ट बता दूं जैसा आपकी इच्छा। कंसेप्ट में बस दो कंसेप्ट इसके लिए है, बस दो कंसेप्ट आपसे दूर है हाइपरबोला का। कौन कौन सा कंसेप्ट में आपको नंबर वन कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, इवन क्या बोलते हैं वो असिम्प्टोट्स, बराबर असिम्प्टोट्स। एंड सेकेंड वन कंसेप्ट है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन उससे पहले कि हम जानकारी लेंगे, सबसे पहले कुछ बातें और भी था, कुछ बेसिक बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं। हाइपरबोला कितने तरह के दोस्त ना, एक था हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला, सेकेंड वन इज द कंजुगेट हाइपरबोला, बराबर है। हाइपरबोला में किसका रेफरेंस में काम कर रहे थे अपन, इलिप्स से बताओ मुझे। ए ग्रेटर देन बी का यूज करना था, ए ग्रेटर देन बी का सभी इक्वेशन को रिप्लेस कर रहे थे या, और एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट था। क्या रिप्लेसमेंट था बेटा, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से। बस एक बहुत सिंपल सी काम करके हमने सभी इक्वेशन हमने सीख रखे, बोलिए। और सेकंड नंबर आपको दिख रहा है ना कंजुगेट हाइपरबोला, तो कंजुगेट हाइपरबोला में हमने यहां से भी इलिप्स से ही मदद लिया था, बट कौन सा इलिप्स था बेटा बताए मुझे, बी ग्रेटर देन ए वाला इलिप्स खड़ा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन सर? और फिर यहाँ आपका था ए स्क्वायर को किससे, माइनस ए स्क्वायर। तरह तरह के विभिन्न प्रकार के इक्वेशन, विभिन्न प्रकार के कोऑर्डिनेट आपके सामने निकल रहे थे, और इसका कैलकुलेशन भी आपने खुद से भी करके मुझे बताया था, मैंने इवन टेबल भी बना के आपको दे दिया था। बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। तो अब लेकिन इससे इसके लिए बेटा एक बात आपको ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट तो तुम्हें याद होगा लेकिन इलिप्स के इक्वेशन तो तुम्हें याद होनी चाहिए, बराबर है। इसलिए एक चैप्टर यदि आपने सही तरीके से पढ़ लिया इलिप्स, तो आप ये मानो कि कॉनिक सेक्शन आपका अपना हो गया। और यदि इलिप्स आ गया आपको ना, तो आप ये जानो ना कि पैराबोला भी तो उसी तरीके का है, थोड़ी ना कुछ अलग है। फिर मैं एक काम करूंगा, आज आपको मैं एक टेस्ट का मैं आपको एक पिक भेजूंगा आपके ग्रुप में, जिसमें आपका पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स के सभी इक्वेशन को एक ही पन्ने में लिख करके और उसको पैकेट और लिखने के बाद मुझे सेंड करना। तो चलो ये रिजल्ट याद रहेगा, अभी सेंट्रिसिटी का पता है, बोलो ना सर, थोड़ा बोल देना हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या था। अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाइपरबोला, 1 माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस प्लस सर सर ये कॉन्जुगेट का है ना, मुझे क्या पता, तुम बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कॉन्जुगेट का, ये कॉन्जुगेट ये हाइपरबोला नहीं है सर, ये 2a u1 आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर यार इतना याद रखो यार, थोड़ा इलिप्स से बताओ, इलिप्स की आइसेंट्रिसिटी क्या था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी के लिए ना। हां सर, हां सर, बी स्क्वायर हां बी स्क्वायर नीचे आने का बड़ा रहता है। हां सर, और इसके लिए वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बराबर है। अब ये दोनों का रेसिप्रोकल ले लूं, वन ए, आप एक काम करो इवन और ए2 का वैल्यू यदि आप इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसका रिजल्ट कितना वन के बराबर आएगा, वन प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर, आसान है। यस सर, लेकिन आपको याद चाहिए दोनों का इसेंट्रिसिटी जब आपको पता है तो 1 अपॉन ईवन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर होगा। यस सर, यस सर। हां तो चलो ए इसेंट्रिसिटी का हो गया, चलो नेक्स्ट एक हेडिंग देना, नेक्स्ट एक हेडिंग देना।
अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं ना बेटा, यदि शिफ्टेड रहा तो क्या करेंगे, जैसा आपने इलिप्स में देखा एच और के शिफ्टेड रहा उसको भी हम वैसा काम करते हैं, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, बराबर है। तो डिफरेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये सब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फिर क्या था, ये सभी बातें तो आपको बताया हुआ है, टेंजेंट वगैरह भी आप सब जान चुके हैं, फ्रॉम इलिप्स सभी बातें जानकारी मिल ही गया है आपको। चलिए रेडी? यस सर। ऑलमोस्ट अब तो क्वेश्चन आप लगा सकते हो, सभी मोस्टली क्वेश्चन आप लगा सकते हो, लेकिन एक हेडिंग देना, चलो एक कंसेप्ट जान लो, असिम्प्टोट्स क्या होता है इसके बारे में, नया नाम है, नया नाम है, थोड़ा सा लिखना अच्छे तरीके से, हेडिंग देना थोड़ा सा डिफर है कंसेप्ट, थोड़ा सा डिफर कंसेप्ट है, और ऐसा भी आपको बताना है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, अच्छा t = 0 कर देने का, हां ये सब लिखना है, नहीं सर सर्कल में लिखना है, लिख लो ना सर, सर अपने मत बोला बाद में कि सर ने नहीं सिखाया है सब, हां एक काम करते पहले उसको लिख लेना, पहले आप एक काम करना, क्या बोलते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट लिख लेना, पोजीशन ऑफ पॉइंट, हां सर, हां पहले यहीं से लिखा देता हूं जल्दी से, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, यहां पे एक हल्का सा चेंजेस है बेटा, हल्का सा चेंजेस है, उसको कंप्लीट करते चलते हैं अपन, डी ग्रेटर देन 0 रहा तो अंदर रहेंगे सर, हाइपरबोला रेडी। अब एक बात समझ, हाइपरबोला आखिर है क्या, ये है ना हाइपरबोला, इसको बोलेंगे इनसाइड, क्या इनसाइड, इसको बोलेंगे ऑन इनसाइड का मतलब कि वो कर्व के अंदर, चाहे वो इधर हो या तो फिर इधर हो, इसको हम इनसाइड बोलेंगे, ऑन साइड का मतलब कि कर्व पे ही होना, या तो इस कर्व पे होना, इस लाइन में होना, या तो इधर होना, और आउटसाइड के मतलब कि पूरा रीजन पूरा आउटसाइड या बाहर हो, रेडी? तो लिख देना ए पॉइंट पी है, पी है पी, ऐसा मैंने लिख दिया, तो लेट एज्यूम कर लेना पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है, एंड हाइपरबोला का इक्वेशन भी है वो भी लिख देना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेड इक्वल्स कितना बेटा बोलना, वन, रेडी? तो नोटेशन वगैरह तो जानते ही हो ना, एस वन वन एस वन ये सारी चीजें तो जानते ही हो आप, अब ज्यादा नहीं उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, तो नीचे लिखना डायरेक्टली एस वन वन क्या बन जाएगा, बोलो एस वन वन तो समझ ही गए हो कि पॉइंट दिस इसमें पास करेंगे एस वन वन हो जाएगा, रेडी ना? हां सर, हां सर, एस वन यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अभी लिखना मत बेटा, पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, एस वन वन ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, अपसाइड, फिर से बोलना आउटसाइड, आउटसाइड यहाँ पे थोड़ा सा कहानी उल्टा है,
थोड़ा सा कहानी उल्टा है। तो लिख देना नंबर वन लगे तो पी लाइज ऑन द पैराबोला, पी लाइज ऑन द पैराबोला इफ एस वन वन इक्वल टू जीरो, और पैराबोला नहीं हाइपरबोला। सेकेंड नंबर, क्योंकि ध्यान रखना जरूरी है बेटा, सेकेंड नंबर एस वन वन ग्रेटर देन जीरो, यहां से माय पी लाइज इन साइड द हाइपरबोला। अब तुम बोलो बाकी सभी कर्व में जब ग्रेटर देन होता था तो पॉइंट बाहर लाई करते थे, लेकिन यहां पे वो बातें बदला हुआ है, कुछ बदली बदली सी बातें लग रहा है, बोलो। हाँ सर, हाँ सर, बदली बदली ना कि बाकी बदली 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 बदली, कुछ बदली बदली सी बातें लग रहा है, क्यों कैसे क्या बेटा बताओ मुझे, क्योंकि पॉइंट पी कभी भी इनसाइड लाइक कर रहा है हाइपरबोला का, कब, जब यहां से एस वन वन ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। इसका रीजन भी क्या है वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा पहले, लेकिन आप लिख लो। अब तीसरा, यदि एस वन वन लेस देन जीरो की बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट पी लाइज आउटसाइड का आउटसाइड हाइपर बोला, हाइपर बोला आउटसाइड द हाइपर बोला। बोलिए। हाँ सर, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? यस सर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, अगर बत्तियां राख हो गई गॉड को फिर भी दिखा याद है देखो यस सर, यस सर, कौन सा मूवी क्या बात है, तो इडियट की कमी नहीं है हमारे पास, देखो फिर पोजिशन ऑफ पॉइंट तो चलो आ गया। अब इसमें तुम बताओ मुझे कुछ बातें, अब सेम वाली बातें करता हूँ जो सेम ही है सभी कोनिक्स के लिए, जैसे आप कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हो तो जल्दी जल्दी में एक एक लाइन में लिखते जाना कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, टच करके मैं सीधा निकल रहा हूं। क्या कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इज इक्वल टू एस वन वन, क्योंकि जो हमने नोटेशन लिखवाया उसी नोटेशन से मैं फॉलो कर रहा हूं आगे। सर नहीं तो बुक में कहीं कहीं दिख जाएगा आपको T is equal to S1, तो बोलना ऐसा मत सर ने गलती पढ़ा दिया मैंने S11 को ही वो नोटेट किया हूं, बराबर है? हाँ सर, इसलिए भावनाओं में नहीं बहना बेटा, भावनाओं पे कंट्रोल करना, कंट्रोल है बात है सर। तीसरा बोलना सर, वाह बेटा वाह, पेयर ऑफ टेंजेंट बोला कि कंट्रोल नहीं करेंगे सर तो कर क्या सर, पेयर ऑफ टेंजेंट बोल कितना होगा, t इक्वल्स s11 s21 बताओ बेटा, वेद वैभव सुमित सुन पा रहे हो आप लोग, s11 सोम आज बेटा तुम्हारा आवाज नहीं सुना मैंने, साराक्षी बताओ बेटा, पार्थ का भी आवाज नहीं सुना, ओंकार भी नहीं बोल रहा है, ललित सर बोला आज, अच्छा बोला क्या आज, ओके अच्छा हुआ, हाँ इसलिए तुम्हारा बात रिकॉर्ड कर लिया, तेरा आवाज सुनने में अच्छा लगता है। कौस्तुभ तू बोल बेटा थोड़ा रे, चेतन अथर्व दोनों अथर्व अनंत अमोल सब बोलना है, अच्छा तू नाम लेके बोलना कि कौन कौन बोल रहा है,
बराबर है, छिप जाता है ना बोलने वाले भी बच्चे, छिपना नहीं तो बोला ना सर अभी। अच्छा बोला क्या? हाँ बढ़िया, इसीलिए तो लगाना तो बोला, इसीलिए तो पारा वाला हो गया बेटा, नहीं बोलता तब तक तो सब बोला खत्म हो जाता। बराबर है, चलो मजे होने होते रहना चाहिए। हाँ तो पेयर ऑफ काइनेट क्या होगा, किसने मैसेज किया, किसने मैसेज नहीं किया, बोल बेटा तुम्हारा मैसेज नहीं आया अभी तक। क्या था, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस वन वन टू एस वन वन, हाँ सर पक्का बोलो, याद हो गया होगा, याद हो गया होगा, हाँ सर सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो कॉमन बातें थी बेटा, ये बातें तुम्हें पता था, मैं फिर से यहाँ पे तीन लाइन में कंसेप्ट को खत्म कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन पे हम आएंगे नो डाउट, लेकिन उससे पहले कि मैं एक कंसेप्ट और भी बता देना चाहूंगा, बता दू एसिम्प्टोट्स, सही में बता दो सर, नहीं मानोगे तुम सर, हाँ सर बताओ सर, बता दू बिल्कुल नहीं मानोगे, बता दो सर, दो ही तो बचा है, असिम्प्टोट एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या यार एक दो तो रहने देता। चलो फिर कहानी कहते हैं। अच्छा तो अभी आपको याद है क्या, पोजीशन ऑफ पॉइंट में इस पॉइंट पे अलग था ए हाइपरबोला बाकी के कर्व से, जल्दी से S11 ग्रेटर देन 0 के लिए इनसाइड रहता और लेस देन 0 के लिए आउटसाइड, के लिए S11 ग्रेटर देन 0 पे पॉइंट बाहर लाई कर रहा था, लेकिन हाइपरबोला में S11 ग्रेटर देन 0 पे पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, करता हां सर, नहीं सर समझा सर, समझे जी सर, भूलेंगे नहीं, नहीं सर भूलेंगे सर, समझा नहीं भूला, हाँ तो बड़ा पाप लगेगा भूलेगा तो, देखिए ना अब एक हेडिंग है ना, उस हेडिंग का नाम रहा है बहुत ही बेहतरीन हेडिंग है असिम्प्टो, असिम्प्टोट्स, ये क्या होता सर, यार युवराज इतना लेट आता बेटा, क्या बात है आजकल कुछ रूठा रूठा जैसा लग रहा है, तू लेट आ रहा है युवराज, प्लीज बी ऑन टाइम बेटा, उसकी स्पेलिंग एक बार, युवराज का वाई यू वी आर ए जे सर, असिम्प्टोट उसका चलो ठीक है, मैं असिम्प्टोट कर लिखा रहा हूँ, ए एस वाई A for Aurangabad, S for Singapore, और Y for हरियाणा, अलग अलग फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र M से महाराष्ट्र, और P से त्रिपुरा, पटना, पटना, T से सर, T से बोलना उड़ीसा, 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 चलो तो असिम्प्टोट क्या होता है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, बंद करना अपना काम, जो भी काम कर रहे हो सबको बाजू में रखो, पहले हमारी बात को 100% सुनने की कोशिश करना और 100% अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, रेडी, यस सर, यस सर, पहले आप हमारी बात पूरी तरीके से सुनने की कोशिश करना, यस सर, 100% आएगा, तैयार हो, हाँ सर, यस सर, थीन पहले लंबी गहरी सांस खींचो और 2 से 3 सेकेंड होल्ड करो और उसके बाद स्लोली 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 उसको रिलीज करो, आपको फील आ रहा होगा होल बॉडी आपका रिलैक्स हो गया होगा, रेडी, यस सर, कितने लोगों ने काम किया जो मैंने भी बोला, मैंने सर, मैंने किया सर, मैंने किया सर, फिर का श्वास लिया फिर छोड़ दिया, कभी भी किया सर,
यदि आपका माइंड ट्रेस हो रहा हो या आपका दिमाग थोड़ा सा लग रहा है कि टेंशन आ रहा है या एग्जाम में ही क्यों ना हो या बाकी कहीं भी रियल लाइफ में भी क्यों ना हो, ये ब्रीथिंग में इतना पावर है बेटा ना, एक बार तुम खींचो ना सांस लेके और धीरे धीरे छोड़ना, लेकिन क्या खींचना है मैटर करता है। तो चलो डायरेक्ट ऑलवेज वर्क्स, हां बेटा इसीलिए बोल रहा हूं ऑन योर ओन रिस्क। चल नेटवर्क प्रॉब्लम, एक मिनट बेटा थोड़ा सा मैं नेटवर्क चेंज करता हूं। नहीं सर, आपका क्लियर है, क्लियर है आपका, क्लियर है सर, माइक बजे सर। सर आपका माइक बंद है, माइक क्लियर है अखिलेश, देखना बेटा बेटर बेस्ट नहीं। चलो तो सबसे पहले मैं एसिम्प्टोट की बातें कर रहा हूं। एसिम्प्टोट का मतलब क्या हुआ, एक टैंजेंट को हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, बट वो टैंजेंट कर्व को इनफाइनाइट पे टच करता है। क्या बोला मैंने, बोलना टैंजेंट को इनफाइनाइट पे टच करता है। टेंजेंट एट इंफिनिटी, लिखो बेटा लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं और शायद से डिक्टेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा, आवाज हमारी सही तरीके से सुन पा रहे होंगे। यस सर। द टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, द टेंजेंट्स एट इंफिनिटी टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला आर कॉल्ड असिम्प्टोट्स of the hyperbola। यानी कैसा होता है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा देखता हूं, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक हाइपरबोला है ऐसा, बोलो क्या है हाइपरबोला, बराबर है, मिट जाओ, बना दिया है। यानी वो ऐसा टेंजेंट जो कर्व को इन्फिनिटी से पास कर रहा हो और पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, होता है। मैं आपको सभी बातें लिखा के दूंगा। यानी वो ऐसा टेंजेंट मैं यहाँ पे चित्र में बना रहा हूं, देखना आप, यानी ये कर्व को टच नहीं कर रहा है, ये कर्व को टच नहीं कर रहा बेटा, ऐसा हो गया टेंजेंट और ये भी हो गया ऐसा टेंजेंट, ये दिख रहा है, ये टेंजेंट है ना ऐसा, ये वो तो हो गया हाइपरबोला, इसको हम बोलते हैं असिम्प्टोट। और ये भी क्या है, असिम्प्टोट। डायग्राम बना लो जल्दी से, हाँ सर, हाई अपना पैराबोला को नहीं रहता क्या, नहीं पैराबोला इसमें कहाँ है बेटा, नहीं सर, वो टच नहीं करता, टेंजेंट टैंजेंस रहे से इनफिनिटी से, किसमें पैराबोला में, नहीं पैराबोला का नाम भी मत लेना अभी, ठीक है सर, बिल्कुल भी नहीं, जहां पे जो है बात है उसी को दे रहा हूं ना, बाकी कोई कर्म में असिम्प्टोट नहीं आता है, लेकिन हाइपरबोला में असिम्प्टोट होते हैं, वो ऐसा टेंजेंट ही माना जाता है कि जो इनफाइनाइट पे टच करे, बाकी कहीं नहीं, बाकी कोई भी कर्म में असिम्प्टोट नहीं होते हैं, पहले माइंड को मेकअप कर लें। हाँ सर, इसका वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा, रेडी,
यस सर यस सर यस सर बोलो यस सर तैयार हो यस सर तो चलो अब मैं बताना चाह रहा हूँ असिम्प्टोट के बारे में जानकारी तो आपको मिली क्या क्या होता है असिम्प्टोट यानी वैसा कर्व जो वैसा लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे देखो टच ही नहीं हो रहा बराबर है ना हाँ सर अब एक बात समझना देख लेना सुन लो सेकंड पॉइंट लिखना सेकेंड पॉइंट लिख देना द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट पॉइंट नंबर सेकेंड द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला इज हाइपरबोला क्या था पहले बोलो हाइपरबोला ऐसा था ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेट इक्वल टू वन था हाइपरबोला एंड असिम्प्टोट का इक्वेशन क्या निकल जाएगा असिम्प्टोट निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेट इक्वल टू जीरो पेयर ऑफ असिम्प्टोट है बेटा दो असिम्प्टोट्स हैं जिसका क्योंकि आपको पता ना कि ये असिम्प्टोट कहां पासिंग थ्रू ओरिजिन जा रहा है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन जा रहा है ना असिम्प्टोट कंबाइन इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना है वो इतना बना है उसको लिख लेना ऐसा तीसरा पॉइंट देना सेकंड पॉइंट एक बार वापस बोलो ना सेकंड पॉइंट फिर से लिखना रे ऐसा मत करना रे कितने बार वापस बोलो द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट द पेयर ऑफ equation of asymptote of the hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square that equals to zero. अब एक लेकिन एक बात तुम देखो सोचो पहले समझो देखो यहाँ पे hyperbola और asymptote में क्या difference तुम्हें दिख रहा pair of asymptote और hyperbola के equation में क्या difference है बस एक simple constant हाँ सर yes sir नहीं पूरा बातें मुझे बताओ क्या बोला मैंने रिपीट करो एक कांस्टेंट का फर्क मुझे नहीं समझ कांस्टेंट का डिफर बेटा किसका किसका डिफर है बता मुझे असिम्प्टोट का डिफरेंस ऑफ असिम्प्टोट और हाइपरबोला में एक सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंस है देखो ना इधर इधर जीरो है और इधर क्या है तो एक बात देखिए तीसरे नंबर पॉइंट में लिखना तीसरा नंबर पॉइंट लिखना द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट pair of equation of asymptotes always differ by a constant always differ by a constant tisra point ho gaya tisra point ho gaya pehla point mein maine aapko likh ke diya pehla point mein kya likh ke diya asymptote ka matlab kya hua wo aisa tangent line जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे दैट इज द असिम्प्टोट क्या असिम्प्टोट कभी भी सर एक बार थर्ड ओए स्पीकर बंद कर रहे क्या बेच रहा है बंगर वाला है सर क्या बेच रहा है बंगर वाले का बंगर वाला है बंगर वाला मुझे लगा कि पार्ट टाइम जॉब रद्दी बाटले वाला वो तो मैं भी करता हूँ अभी देखो ना कुछ देर में मैं सब्जी बेचूंगा बराबर है सर आप वेस्टिज का करते हो क्या हाँ बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग सोनू शर्मा हाँ देखना सुनो समझ ना सर एक बार वो थर्ड रिपीट करो ना हाँ बेटा कर रहा हूँ देखो देखो
तीसरा नंबर पॉइंट, हाँ तीसरा नंबर पॉइंट में मैंने आपको लिख के दिया कि असिम्प्टोट का इक्वेशन, देखिए ना हाइपरबोला को हम एन से डिनोट करते हैं, क्या है हाइपरबोला बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे हाय गलत कर, अपॉन ए स्क्वायर, हाँ माइनस कितना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस वन हो गया हाइपरबोला, इसको दिस इज इक्वल टू जीरो कर लिया, हाइपरबोला ही है ना, और असिम्प्टोट हाँ सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा ही हाँ सर। तीसरा नंबर मैंने आपको लिख दिया कि असिम्प्टोट का पेयर इक्वेशन और हाइपरबोला एक सिंगल कांस्टेंट से डिफर करता है, यदि कहने का मतलब कि यदि पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स में यदि कांस्टेंट जोड़ दूं तो हाइपरबोला बनेगा, हाँ सर समझा नहीं, एक बार तुम लोग बोलो, बेट बोल बेटा तू पूछ के छुप जाता है, बेट हाँ सर बेटा हाँ देखो ना पूछ, तो पूछता है सवाल उसके बाद छिप जाता है जल्दी से, गायब हो जाओ, नहीं बोलो क्या बोला मैंने, नहीं सर इधर हूँ मैं, अच्छा यहीं पे है ना, बोलो फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स ऑलवेज डिफर बाय कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब साफ तौर पे जब एप्लीकेशन करूंगा तो एक बात समझना कि असिम्प्टोट के इक्वेशन में कोई कांस्टेंट जोड़ दिया तो हाइपरबोला बन जाएगा, हाँ सर क्या बोला मैंने, बोलना ए मैं एप्लीकेशन में जरूर और एक बार नहीं कम से कम 20 बार यूज करूंगा ये कांसेप्ट को, इसलिए दिमाग में बैठा लेना, कभी भी असिम्प्टोट के इक्वेशन में यदि कोई कांस्टेंट जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला बन जाएगा, बराबर है सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा आगे, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है इसलिए मैं इस पे ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना सर वो कांस्टेंट वन है जरूरी है क्या, हां ना बेटा कांस्टेंट वन है ना, और एक बात और भी समझना, ए आर असिम्प्टोट ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर, अरे हां सर क्या इसलिए जीरो है, असिम्प्टोट्स ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपर बोला, हाइपर बोला, लौ कर लियो, कितने नंबर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा असिम्प्टोट्स आर ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, बेटा कौस्तुभ लिख रहा है असिम्प्टोट्स आर, असिम्प्टोट्स आर ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, एक बार में सुनो ना यार बार बार पूछते हो, ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सर ये कॉन्जुगेट के लिए भी होता क्या, नहीं रे अलग होता हम ना, क्योंकि कंजुगेट हाइपरबोला, वो हाइपरबोला को जोड़ने के बाद ही तो फिर ये निकल जाता, देखो ना वेट करो ना सब रिलेशन बताऊंगा, सब एक दूसरे अपने रिलेशन में पढ़ते बेटा, सभी टेंशन नहीं लेने का, वो दूर दूर तक अच्छा से रिलेशन है अपना, बराबर है नहीं, अच्छी पहचान है सर आपकी, अपने रिलेटिव लगते नहीं ना, असिम्प्टोट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, पॉइंट लिखते जाओ लिखते जाओ विस्तार पूर्वक लिखते जाओ, असिम्प्टोट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बराबर है इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, नेक्स्ट पॉइंट और लिखना, कितने नंबर पॉइंट हो गया, पांच, अब छह चालू, छह नंबर, सातवां नंबर पॉइंट लिखना है, हाँ सर, अब यदि असिम्प्टोट्स आपको दिए रहेंगे तो उसके बीच के एंगल कैसे निकलेगा, क्या निकालना अपने को, एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट्स एंड एक्सिस, एंगल निकालना है अपने को, तो यार दो असिम्प्टोट्स दिए, चलो लिख लेना, द एंगल बिटवीन असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला, द एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स ऑफ
द एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला इज इज टू टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. एंगल क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. नेक्स्ट पॉइंट कितने नंबर हो गए, सात नंबर. Asymptotes of hyperbola and its सातवें नंबर पॉइंट लिख लेना. Asymptote of hyperbola and its conjugate hyperbola are same. क्या लिखा, asymptotes of hyperbola and conjugate hyperbola are same. बराबर है, अब नीचे लगे तो ऐसा लिख देना, ऐसा रिलेशन बिटवीन, बस रिलेशन बिटवीन hyperbola, conjugate hyperbola and asymptote, इसके बीच का रिलेशन लिख रहा हूं. मैंने एच लिख दिया hyperbola का इक्वेशन, ए लिख दिया asymptote का इक्वेशन, और मैं सी लिख रहा हूं conjugate hyperbola, and x square upon a square minus y square upon b square that equals to या plus one कर दूं, बस इतना कर लिया. बोलो ना, यही था ना? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. तो एक बात तुम बताओ मुझे, एक बात बहुत सिंपल वाली बात बताओ, क्या मैं इसको रिलेशन जब ऐसा है तो यहां से एक बात, यहां से यदि मैं आपको बताऊं कि सी प्लस एच कर देना, तो C प्लस एच कर दू तो दोनों आपस में क्या बन जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा. हाँ सर. कितना आ रहा सी प्लस एच से, बोलो. हाँ सर, एक्स स्क्वायर. हाँ बोलना. 2a square upon 2x square upon a square minus 2y square upon b square. आगे मिलेगा, यानी कंजुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो टू टाइम्स ऑफ पेयर ऑफ क्या निकल जाते हैं, असिम्प्टोट. 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 क्या बात, रेडी? यस सर. हां सर. कोई कंफ्यूजन? नो सर. कोई डाउट? नो सर. नो. क्लियर है? मॉडल के भी डाउट है क्या? हाँ सर. तो एक मिनट आप मॉडल निकालो, एक मिनट मैडम मॉडल निकालना थोड़ा सा, मैं आपको दूंगा कुछ टास्क, क्योंकि बहुत मजे कर रहे हो तुम. अच्छा मैंने ग्रुप में भेजा था ना इसके पीडीएफ, जिसके पास अभी सॉफ्ट कॉपी में भेजा हूं, जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है कृपया कर इसका प्रिंट लेके जल्दी से जल्दी लग जाए बेटा उसके पीछे, और एक एक पन्ने चबा जाओ, एक एक पन्ने चबा जाओ. और टेस्ट जो भी नालायक को टेस्ट नहीं दिए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बेटा टेस्ट में अब्सेंट मत रहे. टेस्ट में देखो, क्लास में 20 लोग प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट में 10-12 लोग टेस्ट देते हैं. 20 लोग प्रेजेंट होते हैं अभी और 8-10 लोग इंतजार करते हैं रिकॉर्डेड के लिए, बराबर है? और टेस्ट में 50% स्ट्रेंथ होता है, ऐसा क्यों बेटा? तो जो भी लेक्चर देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कृपया कर टेस्ट में अब्सेंट ना रहे, यानी आपके बैच का स्ट्रेंथ नियर अबाउट 30 है, और देखते हैं कितने लोग लाइव इतना देखते हैं और कुछ लोग रिकॉर्डेड पे रुके रहते हैं,
इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया कर टेस्ट को अच्छे तरीके से देने की कोशिश करें, तब मुझे भी अच्छा लगेगा यार टेस्ट लेने में। फिर मैं टेस्ट का फ्लो बढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना। और एक खास करके एक पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स तुम्हें एकदम जड़ से निकाल लेना है इसको बेटा, क्योंकि हर जगह हर एग्जाम में इसके सेम रहते हैं। इवन आप ये मान लो कि सीटी में भी इसके बेटे जाए, सीटी में भी आया हुआ है ना ये सब टॉपिक, इसलिए ध्यान रखना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर वन से कहां तक कर सकते हो, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, टेंजेंट नॉर्मल, रेक्टेंगुलर एंड कंजुगेट। रेक्टेंगुलर नहीं करके कंजुगेट कर सकते हो 29 तक, 21 तक की है सर ट्राई। हां रुको ना, पहले आप लिख लो कि कहां से कहां तक कर सकते हो। हां सर 21 की है। हां क्वेश्चन नंबर 1 से 29 तक। मैं कल का होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको 1 to 29। उसके बाद रेक्टेंगुलर छोड़ देना, रेक्टेंगुलर भी बताया नहीं, असिम्प्टोट बता दिया अभी। असिम्प्टोट का भी रहने देना, वो मैं कराऊंगा, पहले 2-4 सवाल उसके बाद करना। फिर 39 से, फिर क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 62, आप 1 second 62 तक कर सकते हो। हाँ सर, करने वाले के लिए पूरा टारगेट देता हूं कि कौन कितना जल्दी मुझे करके बता देता है, डाउट पूछ लेता है। 62 तक कर लेना, 62। देन अनदर 67 से, वो ऑक्सिलरी सर्कल और वही फिर 67 से 78 देखो। अबे 67 देख, नंबरिंग गलत है बेटा, घबराना नहीं। 67 के बाद डायरेक्ट 78 है सर, इसलिए मैंने बोला ना कि बेटा 67 से 78 तक करना है। बराबर है ना? हाँ सर, टेंशन नहीं लेना, इधर के 10 क्वेश्चन मैं ही कर दूंगा 67 से 78, टेंशन मत लेना, बाकी आप करके आओ। यानी इसमें से बहुत सारे सवाल आप लगा सकते हो ना। यस सर। हाँ सर। हाँ तो अब इसका मैं काम करूंगा, अब इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लगे तो अपन कल पढ़ लेंगे। अभी जितना आपको मैंने कंसेप्ट बताया इस पे क्वेश्चन सबसे पहले हमें लगाना जरूरी से जरूरी है। तो कब डिस्कस करना है बताएं? कल। क्वेश्चन नंबर 1 से 29 का डिस्कशन तो मैं कल करूंगा। हाँ सर। हाँ सर, 1 से 29 तक के डिस्कशन कल करूंगा 100%। हर किसी का ट्राई होना चाहिए, बराबर है? 1 से 29 तक ट्राई करके आसाम तक आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में एक पीडीएफ बना के मुझे सेंड करें। जिसका जिसका पीडीएफ आएगा उसी को कल के लेक्चर में अलाउ करूंगा। और आपके अपने ग्रुप में होना, मुझे अदर ग्रुप में पर्सनली ना करो मैसेज, बराबर है? 1 से 29 तक की ट्राई करना है आपको, गलत होने दो, सभी 29 के 29 गलत हो जाएगा तो भी चलेगा मुझे। और आज शाम तक या बिफोर कल के क्लास के बिफोर आपको सभी 29 क्वेश्चन ट्राई होनी चाहिए, तो ही कल के क्लास में अलाउ किए जाओगे आप। रेडी सर? आज का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 29 क्वेश्चन का, 29 क्वेश्चन एनी हाउ मुझे आज इवनिंग तक कंप्लीट चाहिए। यस सर। रेडी? सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। चलो तो बस आज इतना ही रहने देता हूँ, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं कल इसके डाउट लूंगा, चलेगा? ओके सर। हाँ ओके सर। हाँ सर, बस आज इतना ही, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय सर।